हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग टीचिंग को डिस्कस करते हैं, फिर ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे। टीचिंग होती है वो आपका कोई भी गोल होता है उसके ओरिएंटेड रहता है, गोल ओरिएंटेड आपकी टीचिंग होती है। कोई भी आपको एग्जाम कर क्रैक करना है, किसी डिसिप्लिन किसी करिकुलम को फोकस करके आपका यहाँ पर टीचिंग करते हैं। चाहे आपके प्लस वन प्लस टू जो भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, मास्टर्स का स्टैंडर्ड है, पीएचडी का स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल सेंटर, आपको क्या गोल अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग की जाती है। दूसरा आपका जो टीचिंग होती है वो आपका वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आपका वास्ट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको जो भी चीज़ें आपकी टीचिंग के अंदर आपके डील की जाती हैं वो आपके थ्योरिटिकल एस्पेक्ट भी आपके यहाँ पर डील किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपके जो भी थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ आपके यहाँ पर डील किए जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर जो भी आपके रहते हैं, तो उनको हम डील करते हैं टीचिंग के अंदर। ठीक है, टीचर होता है वो आपका एक रोल अदा करता है, टीच करता है, आपको समझाता है क्या चीज़ क्या रहती है, वो आपको ट्रेन करने का प्रयास करता है। टीचिंग होती है वो एक साइंस एज वेल एज आर्ट बोथ हम कह सकते हैं, क्योंकि एक टीचिंग होती है वो आपकी साइंस भी है, आपका विज्ञान भी है और एक कला भी है। टीचिंग इनबिल्ट होती है आपके, कोई भी चीज़ है वो समझाने का तरीका अलग अलग होता है हर एक टीचर का। चाहे आपके किसी भी टीचर का आप यहाँ पर इन एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। कई टीचर ये होते हैं, टीचिंग का लेवल होता है उनके अंदर इनबिल्ट, आपके यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी समझ अच्छी होती है, लेकिन वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो एक तरीके से अदर अदर एस्पेक्ट्स को हम टीचिंग के अंदर रख सकते हैं। टीचिंग एक साइंस भी है और एज वेल एज आर्ट है, तो ये आपके यहाँ पर टीचिंग को रहता है। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर सबसे पहले तो आपके जॉब्स के रिगार्डिंग रहती है। ट्रेनिंग आपकी जॉब जब भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग चाहिए, जो जॉब स्किल्स को आपको इन्हांस करना है तो आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। आपकी टेक्निकल स्किल्स को आपको इन्हांस करना है तो आपकी ट्रेनिंग होती है, या फिर आपके जो भी प्रैक्टिकल आपके एप्लीकेशंस होती हैं उनको समझने के लिए भी आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है जब आपको, अगर इसको एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि आपको बताया जाता है कैसे क्या करें। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई प्रैक्टिकल है उसको आपको बताया जाता है कि इस तरीके से ये केमिकल इंट्रोड्यूस करने से एक्स वाई जेड और आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि आपको बताया जाए कि कोई ये सॉफ्टवेयर है आपका जीआईएस का सॉफ्टवेयर, आपका ये आपका कैसा चलेगा, कैसे आपका रन करेगा, वो आपको बताया जाए, तो वो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर आता है। तो दोनों के बीच में, टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में, ये कुछ मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। ये होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और समझ आई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें और उसके साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप डिस्कस भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।